और तेरे से ही कामयाबी और इज्जत मांगते हैं। मेरे बेंसी के बादशाह शहरियों, मैं सबसे पहले तो और इरफान खान आपको और ताहिर इकबाल आप दोनों को इस शानदार जलसे में जो आपने लोगों को इकट्ठा किया, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब औरंगजेब, इतनी ज्यादा चीजें आपने मेरे से मांग ली, काम नहीं हुए वो एक साल में आप करवाना चाहते हैं। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। सबसे पहले तो मेलसी के लोगों, सबसे पहले खुशखबरी ये कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। और अभी आपको उस्मान बुजदार ने, आप ही के जनूबी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इतनी लंबी चीजें बताई हैं कि जो जो आपकी ख्वाहिशें थी तकरीबन सारी उन्होंने कहा या इस बार ही पूरी होंगी और या अगले बजट में पूरी होगी। लेकिन लेकिन मेलसी के लोगों, इससे भी ज्यादा खुशखबरी आपको सुनाने लगा हूं। हमने फैसला किया कि हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप तो बड़ी देर से लोगों को वादा कर रहे हैं जनूबी पंजाब का, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह हमने ये बिल रखते रहे असेंबली में। अच्छा मेलसी के लोगों, ज्यादातर या गुजारा काश्तकारी के ऊपर होता है, तो सबसे पहले मैं बड़े फखर से कहना चाहता हूं कि जितना किसानों ने हमारे दौर में, जितना किसानों के पास पैसा आया कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और मैं आपको, अब जरा ये मेरे पास अदाद और शुमार है, मकई में हर एकड़ के ऊपर महंगाई के बावजूद जो मकई की फसल की कीमत बढ़ी है 40,000 से 50,000 तक मजीद फायदा हुआ किसान को। गंदम के अंदर जो हमने 50% हमारे दौर में गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, जो किसान की जेब में आया हर एकड़ में वो 25,000 से 30,000 रुपया। उसके बाद कपास की कीमत दुगनी हो गई है, कपास की कीमत अब दुगनी किसान को मिल रही है और उसकी वजह से एक एकड़ के ऊपर कपास में 70,000 से 80,000 रुपए तक
मेरे किसान को फायदा हुआ है। और अब एक और चीज कि यूरिया खाद मुझे पता है कम हुई थी बीच में, दुनिया में कम हो चुकी है, लेकिन अभी आपको मिलेगी। हमने बड़ी मुश्किलों से हमने खाद भी ज्यादा इस बारी प्रोड्यूस की, ज्यादा गैस दिया, खाद की फैक्ट्रियों को बंद नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने चाइना से 1,00,000 टन खाद बुलाई मंगवाई है, जो कि इंशाल्लाह एक हफ्ते तक पहुंच रही है। लेकिन लेकिन अब किसानों, जितने भी किसान हो, एक चीज समझ आओ कि आज बाहर की दुनिया में खाद जिस कीमत पे मिल रही है, उससे 5 गुना कम कीमत पे हम पाकिस्तान में खाद दे रहे हैं आपको। 132 अरब रुपए का हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आप किसानों के सामने पहले ये जरूर बात करना चाहता हूं, और भी अभी बड़ी बातें कर रही है मैंने, लेकिन मैं पहले अपने, क्योंकि मेरा ये ईमान है जब किसान खुशहाल होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये बड़े मुश्किल वक्त पे आपको पता नहीं कि अल्लाह ने हमारी हुकूमत को किन किन इम्तिहानों से गुजारा है। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था, उसको संभाला, और फिर जब वो संभल रहा था तो 100 साल में एक दफा इस तरह का बुरान आता है, जो कोरोना वायरस पाकिस्तान और सारी दुनिया में आ गई। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा वो मुल्क है जो दुनिया मानती है कि 190 मुल्कों में से वो 3 वो मुल्कों में से है जिसने सबसे बेहतर तरीके से इस बड़े बुरान से अपने मुल्क को निकाला है, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी मायशत को भी बचाया। और उसके बाद महंगाई का समुंदर आ गया सारी दुनिया में। मेलसी के नौजवानों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की तारीख में, यानी और मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, जर्मनी में 26 साल के बाद, तुर्की में 20 साल के बाद इतनी महंगाई दुनिया में जो आई है। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी आज से। लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें, और अल्लाह का करम है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। और उसकी वजह से मैंने 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल